तरफ जा रहे, दो तीन स्पॉट हम लोग ने सिलेक्ट किया था जाते वक्त। तो वही है कि जब ये रात को वहाँ पर कोई नहीं रहता, मतलब एकदम, मतलब वो रोड एकदम डिजर्टेड हो जाता है, तो हम लोग वहीं पे अभी रुकने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो रियली एक्साइटमेंट होगा, क्या बोलते हैं? एकदम आइसोलेटेड स्पॉट है, दोनों भी आइसोलेटेड है, वेरी पिक्चरिस्क व्यू, एकदम सामने समुंदर और मतलब एरियल व्यू बीच का। ठीक है, पहला वहाँ जाके अभी हम लोग कुछ ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं और फिर रात को फिर डिनर का सोचते हैं क्या बनाना है। रिसॉर्ट दिखा, नक्षत्र बीच रिसॉर्ट, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये लेके बैग लेके गया, तो ये बीच रिसॉर्ट, ये यहाँ से देखिए व्यू मस्त है। तो हम लोग यहाँ पर रुक गए, बोला चलो इंक्वायर करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा लगा। ये प्रॉपर्टी देखिए यहाँ से, यह है प्रॉपर्टी, हाउसेस टाइप है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा लगा। तो सोचा चलो हम लोग यहाँ पर इंक्वायरी करते हैं। तो हम लोग पूछे, थोड़ा नेगोशिएट किया, तो हम लोग को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला। तो वी गॉट दिस रूम फॉर, हम लोग को ये रूम 2400 में मिला इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो फिर सोचा चलो आज हम लोग रात यहीं पर बिता देते हैं। तो इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू कम हियर, दे कैन कम हियर। और ये ऐसा व्यू है उसका, ये इस तरह से व्यू है उसका। तो अभी मैं आपको प्रॉपर्टी का दिखाता हूँ। ये सामने से रोड आके हम लोग यहाँ पर अंदर आए, ये रोड से अंदर आके हम लोग अंदर आए, ये पूरा। तो ये प्रॉपर्टी का एंट्री है, काफ़ी ग्रीनरी है इसमें। मुझे क्या लगा, इसमें साइलेंट है, आप बर्ड का आवाज़ भी सुन सकते हैं, एंड दिस व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो भला क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर आज रात बिताते। इधर ये सामने रिसेप्शन है, ये सामने उधर ये
रिसेप्शन एरिया है, ये ऐसा पीछे साइड पे भी ऐसा रूम्स निकाले हुए हैं। तो हमारा जो रूम है यहाँ से जाना है। बैग हम लोगों ने ऑलरेडी इन कर दिया था, तो मैं बोला चलो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से भी देखो व्यू बहुत बढ़िया है, ये सब इंडिविजुअल रूम से। पूरा ग्रीनरी है, यहाँ पर पूल है और पूल के सामने पीछे इन्फिनिटी पूल है, इन्फिनिटी पूल। तो हम लोग सवेरे यहाँ पर स्विमिंग के लिए आएंगे, विल एंजॉय दिस इन्फिनिटी पूल। और हम लोग ने रूम जो है फर्स्ट फ्लोर पे लिया है, कि फर्स्ट फ्लोर का व्यू हम लोग को अच्छा लगा। तो आपको रूम का टूर दिखा देते हैं। ये है रूम, ये हम लोग का रूम है। रूम में क्या वैसे एंट्री मारेगा तो बाथरूम है, तो ये ऑलरेडी नहीं सर, यहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है। रियाज ऑलरेडी सेटल हो चुका है। ये यहाँ से फुल व्यू सी का, ये सामने पूल है इन्फिनिटी पूल और सामने सी। रियली वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये नॉर्मल रेट पे अगर जाओगे तो 10,000-15,000 दे के भी आपको ऐसा व्यू का आपको रूम्स मिलना मुश्किल है। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ 2,400 में काफ़ी नेगोशिएट करने के बाद हम लोग को दिया ऐसा स्पेशल केस। तो ये रूम है पूरा हमारा, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, एक टीवी भी है और ये बाथरूम है। यहाँ पर बाथरूम भी ठीक ठाक है पूरा। ये बाथरूम है, और यहाँ से भी व्यू पीछे से अगर देखा जाता है यहाँ से भी एक अच्छा व्यू है। तो अभी थोड़ा हम लोग फ्रेशन अप हो जाता है और अभी हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग डिनर बाहर ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान था कि डिनर बाहर बनाएंगे, हम लोग डिनर कैंप हमारी गाड़ी में ही बनाएंगे और रात को हम लोग बाहर जाएंगे बीच के बाजू में, वहाँ पर हम लोग खाना बनाएंगे और फिर खाना बना के फिर हम लोग फिर रूम में आएंगे। और मॉर्निंग में जैसा बताया ये इन्फिनिटी पूल का मजा लेंगे। तो एंजॉय द व्यू। को लंच नहीं किया था तो अभी सोचा कि हम लोग लंच और डिनर साथ में करने का सोच रहे हैं। हमारा अभी कुकिंग का सेटअप चल रहा है यहाँ पर, अभी हम लोग कुकिंग करने वाला। अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग ऑमलेट और ब्रेड बनाएंगे और साथ खाएंगे। रियाज अभी मिर्ची काट रहा है, तो हम लोग ऑमलेट ब्रेड और बटर ये खाने का प्लान है।